हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नींबू की चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सर्दी, जुकाम या थकान को बहुत ही जल्दी दूर करता है। फ्रेंड्स, हमने दूध वाला चाय को सुना है कि वो सेहत के लिए हानिकारक है, पर ये नींबू वाली चाय हर तरह से सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। और हमने तो टेस्ट किया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी नींबू वाली चाय की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम नींबू वाली चाय बनाना शुरू करते हैं। नींबू वाली चाय बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है चाय पत्ती, ग्रेट किया हुआ अदरक, नींबू, शक्कर, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और दो छोटे छोटे दालचीनी स्टिक हमने लिया है। जरूरत के अनुसार हम पानी लेंगे। तो हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक पैन ले लिया है। अब हम उसमें डालेंगे 2 कप पानी, क्योंकि हम 2 कप चाय बनाना बता रहे हैं। तो हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और पानी को अच्छे से उबलने देंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और 2 छोटे छोटे स्टिक दालचीनी के। साथ में हम डालेंगे दरदरा कूटा हुआ अदरक और इसे हम आधा मिनट तक उबाल लेंगे, जिससे सारे फ्लेवर पानी में आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें चाय पत्ती। तो नींबू वाली चाय में ज्यादा चाय पत्ती नहीं पड़ता है। हम 2 कप में 1 ही चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। दूध वाली चाय में हम 1 कप चाय बनाना हो तो 1 चम्मच हम चाय पत्ती डालते हैं, पर नींबू वाली चाय में 1 कप चाय के लिए हम आधा चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी चाय भी अच्छे से उबल गई है। अब हम डालेंगे शक्कर। तो हम इसमें भर भर के 2 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। और इसे हम आधा मिनट तक शक्कर के साथ भी उबाल लेंगे। चाय उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो हमने नींबू को 2 टुकड़े में काट लिया है और इसमें ऐसे डाल के हम इसके रस को डालेंगे। अच्छे से उबाल लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया चाय की कलर आई है। ये सेहत और स्वाद से भरपूर चाय है। अब हम इसको छान लेंगे। तो चलिए हम चाय को छान लेते हैं। तो हम एक झरने की मदद से चाय को छान लेंगे। नींबू वाली चाय बनकर तैयार है। तो ये चाय सेहत और स्वाद से भरपूर है। इससे फैट भी कम होता है और टेस्ट भी आता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये नींबू वाली चाय की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।